नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूरन भारती और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पूरन सर सादियाबाद। दोस्तों आपका बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं क्लास नाइन्थ का पोएम का फर्स्ट चैप्टर का हिंदी में एक्सप्लेनेशन करके, जिसका नाम है द माउंटेन एंड द स्क्वायरल, जिसे कम्पोज किया है रैल्फ वाल्डो एमर्सन ने। इस चैप्टर में हम एक एक स्टेंजा का आपको हिंदी में एक्सप्लेनेशन करके बताएंगे। पर दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप इस तरह से वीडियो आप देख सकें। और आप बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। द माउंटेन मीन्स पर्वत होता है, एंड द स्क्वायरल और गिलहरी, हैड स्क्वायरल मीन्स झगड़ा हुआ, पर्वत और गिलहरी में झगड़ा हुआ। एंड द फार्मर और पहला वाला, कॉल्ड मिस बोला, द लेटर मिस बाद वाले से, अर्थात पहला वाला यहाँ पे माउंटेन है और दूसरा वाला स्क्वायरल। तो पर्वत ने गिलहरी से कहा, यहाँ पे फार्मर का मतलब पर्वत और कॉल्ड मिस बोला, द लेटर मिस बाद वाले अर्थात गिलहरी से। पर्वत ने गिलहरी से कहा, लिटिल प्रीज मतलब तुम एक आत्मसंतुष्ट प्राणी हो, एक तुच्छ आत्मसंतुष्ट प्राणी हो। तब बन रिप्लाइज, तब गिलहरी ने कहा, प्रत्युत्तर दिया। यहाँ पे बन मिस यहाँ पे गिलहरी का होगा, बन का इस्तेमाल यहाँ पे कभी ने गिलहरी के लिए किया है। रिप्लाइज मिस प्रत्युत्तर दिया, यू आर डाउटलेस, यू मिस तुम, आर मिस हो, डाउटलेस मिस निसंदेह, वेरी बिग माने बहुत बड़े, निसंदेह तुम बहुत बड़े हो, बट लेकिन ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, लेकिन सभी छोटी छोटी चीज़ें भी महत्व रखती हैं। एंड वेदर चाहे जो भी हो, मस्ट बी अवश्य हो, टेकन इन टुगेदर, यहाँ पर देखिए जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये दोनों साथ साथ मिलकर के क्या करती हैं, टू मेक अप अ ईयर, एक साल बनाती हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा सेंस लेना पड़ेगा, कभी के कहने का मतलब ये है कि टेकन इन टुगेदर टू मेक अप अ ईयर, अर्थात कि जो दिन हैं एक एक दिन मिला करके क्या बन जाते हैं, अ ईयर मीन्स एक साल बन जाते हैं, अर्थात कि जो एक दिन है उसका भी अपना महत्व है और जो एक साल है वह भी अपना महत्व रखता है। जैसे साल बड़ा है और दिन छोटा है, और यहाँ पे क्या है, पर्वत बड़ा है और गिलहरी छोटी है, तो दोनों को बता रहे हैं कि दिन भी अपने में महत्व रखता है और वह मिलाकर के एक साल बनता है। उसी प्रकार से हर जीव को मिलाकर संपूर्ण ब्रह्मांड बना हुआ है, तो हर जीव का अपना एक महत्व होता है, ये कहने का यहाँ पर अभिप्राय है गिलहरी का। तो गिलहरी क्या कर रही है, प्रत्युत्तर देकर कह रही है कि निसंदेह ही तुम बड़े हो, लेकिन हर छोटी से छोटी चीज़, चाहे वो जो भी हो, हर चीज़ का अपना एक महत्व होता है। जिस प्रकार से एक छोटा सा दिन मिल करके क्या करता है, एक साल बनाता है, तो उस छोटे से दिन का भी क्या होता है, महत्व होता है। एंड और स्फेयर, स्फेयर मतलब होता है संपूर्ण ब्रह्मांड में। एंड और आई थिंक, मैं सोचती हूँ, इट नो डिसग्रेस मतलब इसमें कोई अपमान नहीं है, टू ऑक्युपाई मिस स्थान प्राप्त हुआ है, माई प्लेस मिस स्थान, मुझे जो स्थान प्राप्त हुआ है उस स्थान को प्राप्त करके मैं सोचती हूँ कि इसमें कोई अपमानजनक बात नहीं है, अर्थात कि मुझे छोटा स्थान ईश्वर के द्वारा प्राप्त हुआ है, मैं एक छोटी सी प्राणी हूँ, तो इस बात से मुझे कोई अपमानजनक महसूस मैं नहीं करती हूँ। और इफ मिस यदि, आई एम नॉट मतलब मैं नहीं हूँ, सो लार्ज मतलब इतनी ज़्यादा बड़ी, एज यू मतलब तुम्हारे जितना, और यदि मैं तुम्हारे जितनी बड़ी नहीं हूँ, तो यू आर नॉट तुम भी नहीं हो, सो स्मॉल इतने छोटे, एज आई मिस मेरे जितना, यदि मैं तुम्हारे जितनी बड़ी नहीं हूँ, तो गिलहरी करे कि तुम भी मेरे इतना छोटे नहीं हो। एंड नॉट मिस नहीं हो, हाफ मिस आधा भी, सो स्प्राइ माने होता है फुर्तीला, और तुम मेरे का आधा भी फुर्तीले नहीं हो। तो आई आल नॉट डिनाई, लेकिन कह रही है गिलहरी कि आई विल नॉट डिनाई, मैं यह मना नहीं करूँगी, यहाँ पे विल लिखा हुआ है, मैं यह मना नहीं करूँगी कि यू मिस तुम मेक मिस बनाते हो, अ वेरी मतलब बहुत ही प्रेटी मिस सुंदर, स्क्वायरल ट्रैक मतलब होता है गिलहरी के लिए रास्ता। गिलहरी कह रही है पर्वत से कि मैं इस बात से इनकार नहीं करती, इस बात से मना नहीं करती कि तुम गिलहरी के लिए एक बहुत सुंदर मार्ग बनाते हो, लेकिन टैलेंट्स डिफर, अर्थात कि संपूर्ण विश्व में जितने भी जंतु हैं, जीव हैं, सबके अंदर जो क्षमताएं होती हैं, योग्यताएं होती हैं, डिफर मीन्स उसमें अंतर होता है। ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट्स का मतलब होता है संपूर्ण विश्व,
अर्थात संपूर्ण विश्व में जितने भी विभिन्न प्राणी हैं उन प्राणियों की योग्यताएं क्षमताओं में डिफर मीन्स अंतर होता है, सबकी अलग अलग योग्यता है, सबकी अलग अलग क्षमता है। इफ, अब क्या क्या क्षमता यहाँ पे दोनों में बता रहे गिलहरी कि इफ आई कैन नॉट कैरी, यदि मैं लेकर नहीं जा सकती, फॉरेस्ट मीन्स जंगल को, ऑन माई बैक मतलब अपने पीठ पर, यदि मैं जंगल के भार को अपनी पीठ पर तुम्हारे तरह नहीं लेकर चल सकती तो नाइदर कैन यू क्रैक, तो तुम भी, कैन मिस सकते हो, यू मिस तुम, क्रैक मिस फोड़ना, अडनेट मिस एक अखरोट, तो तुम भी एक अखरोट नहीं फोड़ सकते हो, अर्थात अगर मैं जंगल का भार नहीं उठा सकती तो तुम भी एक अखरोट नहीं फोड़ सकते हो, अर्थात कि तुम्हारे कार्य अलग हैं, मेरे कार्य अलग हैं और हम दोनों का अपना अपना कार्य है और अपना अपना कार्य का महत्व है। तो एक बार फिर से मैं पूरे स्टेंजा का मैं आपको हिंदी सिर्फ बता देता हूँ और यहाँ पे पेंसिल से मैं इंडिकेट करूँगा कि मैं किस वर्ड की मीनिंग बता रहा हूँ। पर्वत और गिलहरी में झगड़ा हुआ, तब पहले वाले ने दूसरे वाले से कहा, अर्थात कि पर्वत ने गिलहरी से कहा, लिटिल प्रिज, तुम एक आत्मसंतुष्ट, एक तुच्छ प्राणी हो। तब गिलहरी ने उत्तर दिया, तुम निसंदेह बहुत बड़े हो, लेकिन हर छोटी से छोटी चीज का अपना महत्व होता है। जिस प्रकार से छोटे छोटे दिन मिलकर एक साल बनाते हैं तो उसका भी अपना महत्व होता है, और इस संपूर्ण ब्रह्मांड में मुझे जो स्थान प्राप्त हुआ है, यहाँ से अर्थ लीजिएगा कि जो स्थान मुझे प्राप्त हुआ है, मैं यह सोचती हूँ कि मुझे जो स्थान प्राप्त हुआ है इसमें कोई अपमानजनक बात नहीं है। यदि मैं तुम्हारे जितना बड़ी नहीं हूँ तो तुम भी मेरे जितना छोटे नहीं हो, और तुम मेरे जितना फुर्तीले का आधा भी फुर्तीले नहीं हो। यहाँ पे कह रहे हैं कि लेकिन, गिलहरी कहती है कि लेकिन मैं इस बात से मना भी नहीं करती कि तुम एक गिलहरी के लिए बहुत ही सुंदर मार्ग बनाते हो। लेकिन विभिन्न प्रकार के जितने भी, यहाँ पे इसका पूरा मतलब होगा एक विश्व, अर्थात कि जितने विश्व हैं उस विश्व में जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, उनके हर जीवों की अलग अलग योग्यताएं और अलग अलग क्षमताएं हैं और उनमें अंतर है। यदि मैं अपने पीठ पर जंगल का भार उठा कर लेकर नहीं चल सकती तो तुम भी एक अखरोट फोड़ नहीं सकते हो। तो आई होप दोस्तों कि इसका एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।